घोरपुर क्षेत्र के होमगार्ड गौरीशंकर सिंह की धारदार हथियारों से की गई हत्या। प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा देवरिया के मजरा चकसेमरा के पुलिस होमगार्ड की ड्यूटी से वापस अपने घर के पास पहुंचे ही थे कि पहले से योजना बनाए गौरीशंकर सिंह पटेल के बड़े भाई भोलानाथ पटेल और उनकी पत्नी पार्वती, दो बेटे विकास व विवेक तथा बेटियां रेणु सुजाता और दोनों दामाद उस समय घर पर मौजूद थे। जैसे ही वह घर से काली सड़क पर पहुंचने वाले थे कि विवेक और विकास दोनों उनके गाड़ी से अपनी गाड़ी को लड़ाकर उनके ही मकान के बगल के खेत में गिराकर धारदार हथियारों और लाठी डंडों आदि से और औजारों से पीटकर उन्हें अधमरा कर दिया। जब गौरीशंकर सिंह होमगार्ड को मार ही रहे थे तो उनके घर से उनकी पत्नी और बेटियां भी दौड़कर पिता को बचाने का प्रयास किए, उनको भी दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा। उस समय पूरे खेत में दंगल युद्ध चल रहा था। इस झगड़े को लोग सड़क के पर खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई बीच बचाव करने की। और जो लोग भी बोलते थे ऐसा मत करो, मारो नहीं तो मर जाएंगे, वो लोग बोलते थे कि कोई भी बीच में आएगा तो उसको भी मार डालेंगे। इसी वजह से लोग रोड पर से देखते रहे, जबकि मारपीट काफ़ी देर तक हुई, लेकिन घोरपुर की पुलिस काफ़ी देर में पहुंची। जबकि घोरपुर थाना चंद कदम की दूरी पर है, धारदार हथियारों से मारकर अधमरा कर मौके से छोड़कर सभी घोरपुर थाने में जाकर गौरीशंकर सिंह के परिवार के खिलाफ शिकायत पत्र देकर मारपीट में जो हल्की चोटें आई थी उसी को बढ़ाकर एससी जसरा के लिए रेफर कराया और वहाँ से रेफर करवाए कालून प्रयागराज के लिए। इधर होमगार्ड गौरीशंकर सिंह पटेल के परिवार खेत में खून से लथपथ पड़े हुए थे। गांव के प्रधान द्वारा घोरपुर थाना में सूचना दिया गया, तब जाकर घंटों बाद पुलिस पहुंची और गौरीशंकर सिंह पटेल होमगार्ड को और उनकी पत्नी और बच्चों को थाने ले जाकर जसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा। पत्नी को ज़्यादा सीरियस अवस्था में स्वरूप रानी प्रयागराज के लिए भेज दिया गया, जहाँ इलाज के दौरान गौरीशंकर सिंह पटेल होमगार्ड की मौत हो गई। उसके बाद 147, 148, 307, 302, 506, 341 और 34 प्रथम सूचना पर एफआईआर दर्ज किया गया और हत्या करने वालों को पुलिस खोजबीन कर रही है। मौके से फिलहाल सब फरार हैं और बड़े ही शांतिपूर्वक बीच गौरीशंकर सिंह पटेल होमगार्ड की अंतिम संस्कार किया गया और पत्नी, बेटे और बेटियों का रो रोकर बुरा हाल है। अब उनके परिवार का सहारा और रोजी रोटी कैसे चलेगा? प्रयागराज जिले से जिला क्राइम ब्यूरो शिवशंकर कुशवाहा की खास रिपोर्ट।